हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। मैं नंदिनी सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लेक्चर में। तो हम लोगों ने कौन सा मॉड्यूल स्टार्ट कर रखा है दोस्तों? हमारा काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल वाला मॉड्यूल, जिसमें हमने न्यूटन्स का सेकेंड लॉ ऑन लीनियर मोशन एज वेल एज कर्विलीनियर मोशन, कर्विलीनियर और लीनियर दोनों का देख लिया है। आज हम क्या देखने वाले हैं? वर्क एनर्जी मेथड। अब दोस्तों, ये वर्क एनर्जी मेथड क्या है? ये भी एक तरीका है निकालने का कि अगर कोई भी बॉडी ने मोशन किया है, क्या दोस्तों, कोई भी बॉडी ने मोशन किया है तो उसका एक्सेलरेशन कितना है, कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, वो कितना दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, एंड ऑल दोस थिंग। तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ये मेथड यूज़ करते हैं। दिस इज़ द ईजिएस्ट मेथड, जो आप देख ही लोगे किस तरह होता है। तो सबसे ज़्यादा फेमिलियर वर्ड दोस्तों आपके लिए ये है वर्क। अब वर्क क्या होता है? अभी हम बोलते हैं ना काम करना। काम करना यानी कि क्या? किसी भी चीज़ पर फोर्स लगाना एंड उसमें डिस्प्लेसमेंट देखना। तो आप सब बोलोगे हम लोग तो पढ़ाई करते, वो भी हमारा काम है। नहीं, दैट इज़ योर टास्क, दैट इज़ डिफरेंट। वर्क मतलब फिजिकल डिस्प्लेसमेंट दिखना चाहिए। यहाँ पे वर्क का मतलब क्या है दोस्तों? फिजिकल डिस्प्लेसमेंट दिखना चाहिए। अगर बॉडी पे फोर्स एक्ट कर रहा है तो आपको फिजिकल डिस्प्लेसमेंट दिखना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो हम नहीं बोलेंगे वर्क किया है हमने। हमें सिर्फ ये टेबल है, यहाँ पे ऐसे फोर्स लगाई जा रही हो, तो यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ ये टेबल का? नहीं। लेकिन मैंने अगर उसको सीधा फोर्स लगाया इस तरह, तो वो आगे जाएगा, यानी तब मैं मानूंगी हाँ मैंने फोर्स लगाकर कुछ तो डिस्प्लेसमेंट लाया जिसकी वजह से मेरा टेबल पे वर्क हुआ है। तो ये कंसेप्ट है दोस्तों, आपको याद रखना है। अब आप चाहे अभी इसको बेसिक्स लेवल पे पढ़ो या फिर एडवांस लेवल में, जब आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते वक्त आएगा या फिर सिविल इंजीनियरिंग में आपको सब्जेक्ट्स होंगे, उसमें आपको ये वाले फॉर्मूलेज, वर्क का डेफिनेशन एंड ऑल सब यूज़ होने वाला है। तो यहाँ पे हम जितना देखने वाले वो फर्स्ट ईयर के लिमिटेड तक देखेंगे। तो फर्स्ट ईयर के लिए क्या क्या है दोस्तों? वर्क डन बाय फोर्स, कि एक नॉर्मल फोर्स की वजह से कितना वर्क डन होता है। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। अभी स्प्रिंग क्या होता है दोस्तों? स्प्रिंग आपने देखा होगा आपके पेन में ऐसे ऐसे लगा रहता है, ठीक है। हम उसको यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पता है? इस तरह। हमारे लिए ऐसा स्प्रिंग होने वाला है पूरे मैकेनिक्स के लेक्चर्स में। एंड ये जो स्प्रिंग है दोस्तों, इसकी ना एक खासियत होती है, दैट इज़ इसके पास एक स्टिफनेस होता है। अब आप देखोगे सारे, अगर मैं एक स्प्रिंग को इतना दूर तक लेके जा रही हूँ और दूसरी स्प्रिंग ले रही, तो दूसरी स्प्रिंग की भी शॉर्ट शॉर्ट गारंटी नहीं है कि वो इतनी दूर तक ही एक्सटेंड करेगी, डिफॉर्म करेगी, है ना। तो वो जो कैपेसिटी होती है हर एक स्प्रिंग के डिफॉर्म होने की, उसको हम बोलते हैं स्टिफनेस। क्या बोलते हैं दोस्तों? स्टिफनेस। वो रेजिस्टेंस देता है कि नहीं भाई, मैं नहीं डिफॉर्म होऊंगा, मैं इतना ही होऊंगा, इससे ज़्यादा तो मैं डिफॉर्म नहीं होने वाला। तो इसको बोलते हैं हम लोग स्टिफनेस, ठीक है। तो वो हम वहाँ पे देखेंगे। देन आ जाता है वर्क ऑफ वेट फोर्स। वर्क ऑफ वेट फोर्स या वर्क डन बाय वेट फोर्स एक ही चीज़। वेट फोर्स यानी कि अगर कोई बॉडी का वेट है तो उसके वजह से कितना वर्क डन हो रहा है, वो हम यहाँ पे कंसिडर करने वाले। क्योंकि वेट भी एक तरह का फोर्स रहता है जो हम डाउनवर्ड की तरफ लगाते हैं, राइट। नाउ वर्क ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स बहुत फेमिलियर है आप सबको, राइट। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है दोस्तों? ऑपोजिशन। अगर मोशन को ऑपोजिशन मिल रहा है, दैट इज़ नथिंग बट अपना फ्रिक्शनल फोर्स। देन काइनेटिक एनर्जी, वेरी वेल नोन टॉपिक है ये। काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट एनर्जी पजेस्ड बाय बॉडी व्हेन इट इज़ इन मोशन। अगर कोई भी बॉडी मोशन कर रही है तो उसके अंदर कितनी एनर्जी? अब आप बोलोगे एनर्जी क्यों, वर्क क्यों? क्योंकि वर्क इज़ नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। वही तो बताता है कि हमारे अंदर कितनी एनर्जी है, कि हम लोग ने इतना वर्क कर लिया है। देन आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल इज़ वेरी ईजी, इसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। ये सिर्फ एक ही स्टेटमेंट बोलता है कि आपके बॉडी में जितना काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रहा है उतना वर्क आपने कर रखा है, बस। एंड द लास्ट इज पावर एंड एफिशिएंसी। पावर एंड एफिशिएंसी, पावर वेरी फेमिलियर टू यू, एफिशिएंसी कुछ नया सा साउंड कर रहा है, उसको भी हम डीप में देख लेंगे। तो एक एक करके ये सारे टॉपिक्स हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आप अपना बुक पेन सब लेके रेडी रहिए, जितने भी डेफिनेशन और फॉर्मूले इसमें रहेंगे वो आपको लिखने रहेंगे, एंड वो टॉपिक्स का जो शॉर्ट शॉर्ट चीज़ होता है जैसे कि स्टिफनेस के हो गया, न्यू टर्म्स, उसको भी आप लिख लेना। तो रेडी हो जाते हैं फटाफट। सबसे पहला जो चीज़ हम लोग यहाँ पे लेने वाले, दैट इज़ वर्क डन बाय फोर्स, ठीक है दोस्तों। सो लेट्स प्रोसीड। ओके, सो वर्क डन बाय अ फोर्स दोस्तों। तो यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं एक ब्लॉक है, ब्लॉक के ऊपर एक एफ नाम का फोर्स लग रहा है जो थीटा एंगल से हॉरिजेंटल पे। अब आपको तो पता है हम लोग फोर्सेस हमेशा कैसे लेते हैं दोस्तों? या तो हम सारे हॉरिजेंटल फोर्सेस लेते हैं या तो हम सारे वर्टिकल फोर्सेस लेते, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो जो फोर्स है वो थीटा एंगल से लग रहा है, ये इंक्लाइंड फोर्स है ना। जब इंक्लाइंड फोर्स रहता है, ना ही हॉरिजेंटल ना ही वर्टिकल, किसी एंगल पे इंक्लाइंड फोर्स रहता है,
तब हम क्या करते हैं, उसको रिजॉल्व करते हैं। तो उसके कंपोनेंट्स में हम उसको क्या करेंगे दोस्तों, रिजॉल्व कर लेंगे। तो उसके कंपोनेंट्स किस तरह आ जाएंगे, ये ऐसे चला जाएगा, हॉरिजेंटल वाले के साथ एंगल बन रहा है तो ये एफ कॉस थीटा, वर्टिकल विल बी एफ साइन थीटा, ठीक है। एंड मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, हॉरिजेंटल में, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। तो इससे हमारे वर्क को फ़र्क नहीं पड़ता कि किधर मोशन हो रहा है, वर्क को फ़र्क इससे पड़ता है कि डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इसके लिए जो मैंने वर्क डन लिया है, वर्क डन इज डिनोटेड बाय यू एंड इट इज गिवन एज एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। अब आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं, वर्क इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी माने दोस्तों उसको ये नहीं फ़र्क पड़ता कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है, उसको सिर्फ इतना फ़र्क पड़ता है कि डिस्प्लेसमेंट जहाँ हो रहा है वहाँ पे वर्क हो रहा है, उसको सिर्फ इतनी सी चीज़ पता है। उसको ये भी नहीं फ़र्क पड़ता फोर्स वर्क को कि डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो डायरेक्शन के अपोजिट है या यहाँ है वहाँ। इट जस्ट स्टेट्स दैट इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इट इज़ डिनोटेड बाई यू एंड द यूनिट इज़ न्यूटन मीटर। क्यों दोस्तों, क्योंकि फोर्स का यूनिट इज़ न्यूटन, मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट का यूनिट कितना हो गया, मीटर ना, ऐसा यूनिट ले रहे हैं हम लोग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तो ये हो गया हमारा न्यूटन मीटर। एंड न्यूटन मीटर को और एक न्यू टर्म दिया जाता है, दैट इज़ जूल। आपने सुना होगा ये जूल जो यूनिट है ना, वो मोस्टली एनर्जीज के लिए यूज़ किया जाता है, एनर्जी वगैरह हो गया या फिर ऐसी सारी चीज़ें हो गई, सो उसके लिए यूज़ किया जाता है। सो दिस वॉज द होल कंसेप्ट, आप उसको लिख के ले सकते हो। अगर मान लो मेरा थीटा ज़ीरो हो गया तो कॉस ज़ीरो कितना हो जाता है, चलो यहाँ पे लिख देते हैं, तो कॉस थीटा इक्वल टू ज़ीरो, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस ज़ीरो इक्वल टू वन, तो यू कितना हो गया एफ इन टू एस। एंड ये कैसे दिखेगा दोस्तों, हमारा ये जो ब्लॉक है इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है एंड ऐसे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ब्लॉक का, राइट। सो दिस वॉज द, दिस इज़ द टॉपिक। आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया हो, वेरी बेसिक। चलो और एक नया दूसरा टॉपिक ले लेते हैं, हमारा सब टॉपिक वर्क डन बाय अ स्प्रिंग फोर्स। सो व्हाट डज द टॉपिक सेज गाइस, वर्क डन बाय अ स्प्रिंग फोर्स। अब मैंने आपको पहले कहा था हम स्प्रिंग यहाँ पे इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं पूरे मैकेनिक्स और मोस्टली पूरे इंजीनियरिंग में, राइट। अभी स्प्रिंग का ये ओरिजिनल लेंथ है, तो उसको मैं ऐसा बोल सकती हूँ ना, ये अनडिफॉर्म्ड लेंथ है, या सो दिस इज आर अनडिफॉर्म्ड लेंथ। मान लो किसी एक फोर्स ने बाहर से किसी एक्सटर्नल फोर्स ने इसको एक्सटेंड किया एक्स वन पोजिशन तक, कहाँ तक एक्सटेंड किया दोस्तों, एक्स वन पोजिशन पे, फिर सेम फोर्स ने उसको एक्सटेंड किया एक्स टू पोजिशन तक, कितने कहाँ एक्सटेंड किया दोस्तों, एक्स टू पोजिशन तक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो स्प्रिंग है उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है एक्स वन से लेकर एक्स टू, अनडिफॉर्म को हम फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं, अभी इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ एक्स वन से लेकर एक्स टू। तो दिस इज माई पोजिशन नंबर वन, दिस इज माई पोजिशन नंबर टू दोस्तों, ठीक है। लेट वन बी फर्स्ट पोजिशन ऑफ स्प्रिंग, आप खुद से भी लिख सकते हो, लेट्स डायरेक्टली राइट द फॉर्मूला, ठीक है दोस्तों। अब फोर्स कैसे दिया जाता है, स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला होता है माइनस के इंटू एक्स। क्या होता है दोस्तों फॉर्मूला, माइनस के इंटू एक्स, वेयर के स्टैंड्स फॉर, के स्टैंड्स फॉर स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। के क्या होता है दोस्तों, स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग, एंड एक्स स्टैंड्स फॉर डिफॉर्मेशन ऑफ स्प्रिंग, है ना दोस्तों। तो ये दोनों चीज़ क्लियर हो गई। अब हम क्या करेंगे, ये फोर्स को इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। तो मैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कर रही हूँ, राइट। तो यहाँ पे फोर्स को अगर मैं एक्स, यानी कि सिंपल इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, मैंने एफ फोर्स लगा लगा के इसको एक्स डिस्प्लेसमेंट तक लेकर आई, तो कहाँ से कहाँ तक मैंने उसको डिस्प्लेस किया है दोस्तों, ये यू हो जाएगा, फोर्स का इंटीग्रेशन वर्क में बदल जाएगा क्योंकि मैं विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट कर रही हूँ। एंड यहाँ पे ये एक्स वन से लेकर एक्स टू तक चला जाएगा, माइनस के एक्स इंटू डी एक्स, राइट।
यहाँ पे मैंने क्या किया दोस्तों, डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दिया है ताकि आपको पता चल जाए कि कितना वर्क डन हो रहा है फ्रॉम पोजिशन 1 टू पोजिशन 2। एंड जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगी एंड लिमिट्स लगा दूंगी तो मुझे मिल जाएगा, इसको ऊपर कर देते थोड़ा सा, u इक्वल टू k अपॉन 2 हाफ x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। क्या मिल जाएगा मुझे दोस्तों, हाफ k x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, वेर x1 इज द पोजिशन 1, कितना डिस्टेंस था, x2 इज द पोजिशन 2, कितना डिस्टेंस था, ठीक है। सो दिस वॉज द होल कंसेप्ट जो स्प्रिंग के ऊपर रहता है, k इज द स्प्रिंग कॉन्स्टेंट ले सकते हो, स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग, एंड इट इज मोस्टली गिवन इन द क्वेश्चन, वरना आपको यही निकालने बोला जाता है, बाकी सब दिया रहता है, बोलते हैं स्प्रिंग का कॉन्स्टेंट निकालो तो आपको मिल जाएगा। एंड वॉट इज द यूनिट दोस्तों, सेम यूनिट, यूनिट में फर्क नहीं होने वाला है, यूनिट इज न्यूटन मीटर। ओके, सो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा वर्क डन बाय अ स्प्रिंग। फटाफट स्क्रीन शॉट ले लो, सो यो यू गो। ओके, नाउ लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक, हियर द वर्क ऑफ वेट फोर्स। अब दोस्तों वेट होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वेट इज अवर मास, है ना, हमारा मास जितना है मल्टीप्लाइड मास इनटू या फिर प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन, कि हमारे बॉडी पे कितना ग्रेविटी एक्ट हो रहा है, कितना एक्सलरेशन एक्ट हो रहा है, उसका जो हम प्रोडक्ट लेते हैं दैट कंबाइंस अप एंड गिव अस द वेट। क्या मिलता है दोस्तों, हमारा वेट। तो मेरा आप सबसे बेसिक क्वेश्चन है, मेरा वेट यहाँ पे जो है वही सेम वेट मून पे भी रहेगा या वैरी करेगा, और अगर वैरी करेगा तो कितने रेशियो से करेगा, ये आपने पढ़ा हुआ है, लेट अस चेक कि आप लोग को कितना आ रहा है। एंड ऑब्वियसली नेक्स्ट लेक्चर में जिसने भी करेक्ट आंसर दिया उसको शॉर्ट आउट मिलेगा, राइट। ओके, सो या प्रोसीडिंग विद द सेम टॉपिक वेट। अभी यहाँ पे वेट की वजह से आप देख सकते हो कि ये जो ब्लॉक है उसका हमने सिर्फ वेट वाला फोर्स कंसिडर किया है, ये नीचे की तरफ एक्ट हो रहा है, इसको उठा के मैंने इतनी हाइट पर रख दिया, कहाँ पर रखा दोस्तों, इसको उठाया, ये इसका ओरिजिनल पोजीशन था, हाँ ये इसका ओरिजिनल पोजीशन था, इसको उठा के मैंने यहाँ तक रख दिया, सो दिस इज द हाइट। ओके, अभी ये जो हाइट तक मैंने इसका डिस्प्लेसमेंट किया है, मतलब इसने कितना डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट किया है दोस्तों, अगर मैं बोलूँ मैंने ये ब्लॉक को डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक ऑफ वेट mg एग्जर्ट्स फोर्स इक्वल टू, उसका एग्जर्ट्स फोर्स कितना आ जाएगा दोस्तों, फोर्स कितना एग्जर्ट कर रहा है, mg इज h, और कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया h, तो इसका मैं वर्क डन कैसे दे दूंगी, u इक्वल टू mgh। बट यहाँ पे एक चीज का ध्यान दो, फोर्स जो है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, हाइट और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है दोस्तों, ऊपर की तरफ हो रहा है। यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू फोर्स आपको कंसिडर करना ज़रूरी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फोर्स नीचे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, जिसकी वजह से यहाँ पे आ जाता है नेगेटिव साइन, ठीक है। तो एज यूजुअल मेरा स्टेटमेंट, वर्क को फर्क नहीं पड़ता कि किस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, बट फोर्स जो लग रहा है उसको पड़ेगा, कि मैं जिस डायरेक्शन में लग रहा हूँ उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, नहीं रहेगा तो माइनस साइन लेकर आओ भाई डिस्प्लेसमेंट का, दिस इज वॉट फोर्स है, ठीक है। तो उसकी वजह से हमारा वर्क डन भी कभी कभी नेगेटिव हो जाता है, बट एक्चुअली वर्क डन कभी नेगेटिव होता नहीं है, बट जस्ट फॉर दैट साइन कंसर्न हम कंसिडर कर रहे हैं। तो ये साइन हमें सिर्फ बताता है, द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, बस और कुछ नहीं, क्योंकि नेगेटिव वर्क नाम की कोई चीज नहीं होती। होती क्या है, वो साइन बताती है कि हमें फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज हैपनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट्स इट, ठीक है दोस्तों। एंड अगर यही चीज़ अगर मैं उल्टी कर दूँ, उल्टी यानी कि कैसे, कोई चीज़ किसी हाइट पे रखी गई है उसको उठा के मैं नीचे ले आती हूँ ज़मीन पे,
तो ये इसका एम जी वेट, डिस्प्लेसमेंट भी डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो यू इक्वल टू माइनस एम जी एच रहेगा, नहीं प्लस एम जी एच रहेगा, ठीक है दोस्तों। एंड वन मोर थिंग, जस्ट एक थोड़ा सा इंसाइट दे देती हूँ, जब आप आगे की पढ़ाई करोगे ना तब आपको नेगेटिव वर्क का मतलब ना, अरे आगे की क्या, आपने 11th 12th में पढ़ा ही होगा कि वर्क इज़ रिमूव फ्रॉम अ सिस्टम, वर्क इज एडेड टू अ सिस्टम, तो जब हम रिमूव करते थे दैट वॉज इंडिकेटेड बाय नेगेटिव साइन, एंड वी वर डूइंग द वर्क ऑन द सिस्टम देन दैट वॉज इंडिकेटेड बाय पॉजिटिव साइन। सो दिस वॉज द न्यू, नॉट न्यू कॉन्सेप्ट, वेरी फेमिलियर कॉन्सेप्ट टू यू गाइस, ठीक है दोस्तों। लेट्स मूव टू द अनदर टॉपिक, द टॉपिक इज वर्क ऑफ अ फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, वेन फ्रिक्शनल फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी, वॉट विल बी द वर्क डन ऑन द बॉडी, सो वी हैव टू कैलकुलेट दैट हियर, एंड हाउ इट विल बी गिवन लाइक वेरी सिंपल टर्म्स, वर्क इज नथिंग बट फोर्स इन टू डिस्प्लेसमेंट, राइट। एंड यहाँ पे हम वर्क को यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फोर्स कौन सा कंसिडर करेंगे यहाँ पे हम, फ्रिक्शनल फोर्स। नाउ म्यू एन, अगर मैं छोटा वाला एफ लिखती हूँ दैट इज इक्वल टू म्यू एन, क्योंकि हमें एक चीज पता है क्या दोस्तों, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ले लो या कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन ले लो, दे बोथ आर इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शनल अपॉन नॉर्मल रिएक्शन, फोर्स एक्टिंग अपॉन नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। सो यहाँ से हम लोगों ने वो फॉर्मूला डिराइव कर रखा है, तो यहाँ पे मैं म्यू एन इंटू डिस्प्लेसमेंट ले लूँगी, बट आप देख सकते हो कि जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या वो सेम है, एक बार डायग्राम को बहुत ध्यान से कंसिडर करते हैं। सबसे पहली चीज़, ये रहा पोजीशन नंबर वन, दिस इज पोजीशन नंबर टू, तो यहाँ पे मेरा ब्लॉक है वो पोजीशन नंबर वन से पोजीशन नंबर टू पर आया है बाय डूइंग द मोशन। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ब्लॉक का दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट हुआ है एस, ठीक है। अब यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट हो रहा है दैट इज गिवन बाय दिस म्यू एन, ये नॉर्मल रिएक्शन जो ब्लॉक पे लग रही है, एंड म्यू एन इज द फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, हमने लॉज ऑफ फ्रिक्शन पढ़े ना, एंड इनकेस आपने नहीं पढ़े तो प्लीज़ वो यूट्यूब वीडियो को भी चेकआउट कर लो, एंड कमेंट कर दो इफ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी है, शेयर कर लो अपने दोस्तों में, लेट एवरीवन लर्न न्यू थिंग्स। एंड उसके बाद हम देख सकते हैं कि कैसे म्यू एन आ जाता है वो, एंड म्यू एन इज नथिंग बट हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। सो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट बट विद अ नेगेटिव साइन। व्हाई नेगेटिव साइन, क्योंकि नेगेटिव साइन यहाँ पे बताता है जो फ्रिक्शनल फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, राइट। सो दिस इज नथिंग बट वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। आप फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको क्लियर हो जाए। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम चलते हैं, एक लास्ट स्टेटमेंट लिखते हुए कि वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स विल ऑलवेज बी नेगेटिव। हमेशा क्या रहेगा दोस्तों, हमारा वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स नेगेटिव, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन कभी सेम नहीं होने वाला, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एंड जिस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, ओके, व्हाट इज द टॉपिक, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन क्या है दोस्तों, इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी पजेस्ड बाय द पार्टिकल बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। बाय वर्च्यू मतलब किसके वजह से, मोशन के वजह से। अगर मेरी बॉडी के अंदर कोई एनर्जी है तो किसकी वजह से आई है, मोशन की वजह से आई है, तो उसको मैं बोलूँगी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और अगर पार्टिकल स्टैटिक है दैट इज़ नॉट इन मोशन, इट वॉन्ट पजेस काइनेटिक एनर्जी। जब मेरा पार्टिकल स्टैटिक रहता है तो उसके अंदर क्या रहता है दोस्तों, नो काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। एंड इट इज़ डिनोटेड बाय टी, हियर वी विल बी यूजिंग टी लेटर टू डिनोट द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे ध्यान दे दो, अगर मेरा इनिशियल वेलोसिटी इज रिप्रेजेंट बाय वी वन, या फिर आप यू भी ले सकते हो, नो डाउट, फाइनल वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय वी टू, तो मेरा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, टी वन हाफ एम वी वन उसका स्क्वायर। क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, हाफ मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी का स्क्वायर, करेक्ट। एंड यहाँ पे मेरा टी टू कितना हो जाएगा, हाफ मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी टू का स्क्वायर। तो ये मेरा इनिशियल वेलोसिटी हो गया काइनेटिक, ये मेरा फाइनल काइनेटिक वेलोसिटी हो गया, राइट। सो दिस इज द कंसेप्ट दोस्तों, क्या कहता है ये चीज़ें, कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो कब तक एग्जिस्ट करेगी बॉडी में, जब तक बॉडी मोशन में। एंड यहाँ पे और एक चीज़ का ध्यान दे दो, क्या कि इसका जो यूनिट रहने वाला है
दैट विल बी सेम न्यूटन मीटर और इज जूल आपका. ठीक है दोस्तों, सो दिस इज काइनेटिक एनर्जी डन एंड लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेम मॉड्यूल. मतलब टॉपिक ही बोल लेंगे. क्या है वो? हमारा वर्क एनर्जी प्रिंसिपल. अब ये स्टेटमेंट पढ़ो एंड थोड़ा सा सोचो कि दीदी ने क्यों इनिशियल काइनेटिक एंड फाइनल काइनेटिक वाला कंसेप्ट पढ़ाया था. आपको तुरंत क्लिक हो जाएगा दोस्तों. सो लेट्स डू इट टुगेदर. फॉर अ पार्टिकल मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेज द टोटल वर्क डन बाय दिस फोर्स इज इक्वल टू द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी. अगर एक पार्टिकल है उसके ऊपर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं एंड जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो पार्टिकल का, तो इसे हम ये कह सकते हैं कि जितना भी वर्क डन हुआ है, लाइक टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल. अब चाहे वो स्प्रिंग फोर्स हो, फ्रिक्शनल फोर्स हो, वेट फोर्स हो, सारे फोर्सेस को कंसिडर करके जितना भी वर्क डन हुआ है दैट इज इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी. दोस्तों क्या दोस्तों? चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी दैट इज T2 माइनस T1. वॉट इज 1 and 2 दोस्तों? वेयर 1 and 2 आर इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन. ठीक है, सो यर वॉट इज द स्टेटमेंट सेज अगेन. फॉर अ पार्टिकल मूविंग अंडर एक्शन ऑफ फोर्सेज, जब बहुत सारे फोर्स मेरे पार्टिकल पे एक्ट कर रहे हैं, द टोटल वर्क डन बाय दिस फोर्सेज, द टोटल वर्क डन बाय दिस फोर्सेज इज इक्वल टू द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी. अब T2 क्या था? यू वेरी वेल नो गाइस, हाफ एम वी टू का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी वन का स्क्वायर. मास तो कॉन्स्टेंट रहता है, बाहर निकाल लेते हैं वी टू का स्क्वायर माइनस वी वन का स्क्वायर. देयर यू गो गाइस. ठीक है, एंड वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का यूज कब होगा? जब आपको वेलोसिटी निकालना रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी निकालना रहेगा, फाइनल वेलोसिटी निकालना रहेगा, ये सब चीज़ों में यूज़ हो सकता है. और कोई यूज़ है जो आपको क्लिक हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दो. तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे हमने कहीं भी फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये फॉर्मूला दैट इज हमारा न्यूटन्स का सेकेंड लॉ, यूज़ नहीं किया है. सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. वर्क एनर्जी मेथड जस्ट इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन वर्क का फॉर्मूला एंड एनर्जी का फॉर्मूला, दैट इज योर सेम, दैट इज वर्क डन. एंड यहाँ पे जो भी चीज़ें रहती है वो हमें इस तरह कंसिडर करके चलनी रहती है. कमिंग टू द लास्ट टॉपिक, दैट इज पावर एंड एफिशिएंसी. पावर क्या होगा? रेट ऑफ वर्क डन. दोस्तों मैंने कभी भी जब रेट बोला है दैट इज नथिंग बट पावर डिवाइडेड बाय टाइम, बट यहाँ पे रेट बोला है तो इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, तो हम लोग डेरिवेटिव ले सकते हैं. एंड किसका दोस्तों? रेट ऑफ वर्क डन. वर्क डन इज रिप्रेजेंटेड बाय यू ओवर योर. ओके, सो पावर इज नथिंग बट रेट ऑफ वर्क डन. दोस्तों अगर इंस्टेंटेनियस की बात करूं मैं, तो ये हो जाएगा यू अपॉन टी. यू का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टी. एफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज नथिंग बट हमारा वेलोसिटी. ठीक है, सो इट गिव्स लाइक एफ इंटू वी. आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. सेम यूनिट भी वैसे डिराइव करना है, रेट ऑफ फोर्स, रेट ऑफ वर्क डन. तो एन न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाई टाइम एंड इट इज गिवन बाई जूल पर सेकेंड, दैट इज W. ठीक है दोस्तों, सो ये पावर इज du बाई dt. एंड कमिंग टू एफिशियंसी, एफिशियंसी कब होता है पता है? एफिशियंसी क्या होता है कि अगर मैं, मेरी एफिशियंसी कैसे पता चलेगा? मेरे अंदर कितना एनर्जी और मैं कितना काम करके दिखा रही हूँ, दैट इज वॉट इज माई एनर्जी, राइट? एफिशियंसी. तो एफिशियंसी का फॉर्मूला हो जाता है पावर आउटपुट, कि हमें कितना पावर आउटपुट मिल रहा है. लाइक मशीन ही कंसिडर कर लो, कि मैं जितना पावर सप्लाई कर रही हूँ कितना पावर आउटपुट मिल रहा है, दैट इज नथिंग बट हमारा एफिशियंसी की तरफ एक फॉर्मूला बन जाता है, पावर आउटपुट डिवाइड बाय पावर इनपुट मल्टीप्लाइड बाय 100. क्योंकि एफिशियंसी इज मोस्टली रिप्रेजेंटेड बाय परसेंट. किससे रिप्रेजेंट किया जाता है दोस्तों? ये परसेंट से रिप्रेजेंट किया जाता है. ठीक है, सो हियर यू गो, पावर का फॉर्मूला यूनिट इज गिवन लाइक दिस एंड एफिशियंसी का फॉर्मूला यूनिट इज गिवन लाइक दिस. ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स एकदम क्लियर कट समझ में आ गए हो. एंड इफ आपको कोई भी कहीं भी डाउट आ रहा है तो प्लीज लेट अस नो, ताकि नेक्स्ट वाले लेक्चर में मैं वो डाउट फटाफट आपका रिजॉल्व कर दूँ. ठीक है दोस्तों, अब मेन बातें आती है दोस्तों, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे. तो इसके लिए मैंने एक न्यूमेरिकल लिया है ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है. बहुत ईजी. अ 30 न्यूटन ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट. पहले ही बोल दिया कि ब्लॉक रेस्ट पे. ठीक है, तो इसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा दोस्तों? T1 इक्वल टू जीरो.
है ना, स्लाइड्स डाउन अ रफ इंक्लाइन हैविंग म्यू इक्वल टू 0.25. ओके, तो यहाँ पे म्यू का वैल्यू भी दिया, यानी कहीं ना कहीं फ्रिक्शनल फोर्स हमें कंसिडर करना है. डिटरमाइन द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑन द स्प्रिंग, आपको डिटरमाइन करना है कि जो स्प्रिंग है वो कितना कंप्रेस हो सकता है. क्या दोस्तों, आपको डिटरमाइन करना है कि जो स्प्रिंग है वो कितना कंप्रेस हो सकता है. तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये ब्लॉक को जब हम नीचे छोड़ेंगे तो ये मोशन कहाँ करेगा दोस्तों, इस डायरेक्शन में, ठीक है. और इसका वेट कुछ नीचे की तरफ एक्ट करेगा, यानी कि अगर मैं ये पूरे डायग्राम का फ्रेम बदल दूँ, फ्रेम बदलना यानी कि दोस्तों जो हॉरिजेंटल हम कंसिडर करते हैं वो मैं इस तरह कर लूँ समवॉट, अगर मैं इस तरह कर लूँ तो मेरा जो वेट है देख सकते हो आप दोस्तों वो इंक्लाइंड है. तो वर्टिकल से ये थोड़ा सा क्या हो गया दोस्तों, इंक्लाइंड हो गया, राइट. तो यानी कि ये जो एंगल आएगा कितना आएगा दोस्तों, जितना ये हॉरिजेंटल के साथ एंगल बना रहा है, 30. सो दिस इज माई एम जी, सो दिस इज माई एम जी साइन 30. बट क्या आपको एम जी का वैल्यू पता है, एम जी यानी कि वेट, वेट दिया हुआ है 30 न्यूटन. तो यहाँ पे मैं एम जी एम जी नहीं लिखूंगी दोस्तों, क्या लिखूंगी मैं, 30 न्यूटन, राइट. तो एम जी को हटा देते हैं एंड 30 30, फाइन. तो ये हो गया वर्टिकल कंपोनेंट एंड दिस इज योर हॉरिजेंटल कंपोनेंट. एम जी नहीं लिखेंगे, 30 लिख देंगे, साइन 30. एक मिस्टेक हो गया दोस्तों यहाँ पे कॉस आएगा, क्योंकि एंगल जिसके साथ बनता है दैट इज अवर कॉस, ठीक है. सो दिस इज अवर डायग्राम. बट एक प्रॉब्लम आने की चांसेस है, दैट इज हाइट निकालते वक्त. अब आपको हाइट निकालना है कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है. तो एक मेरा सजेशन रहने वाला है दोस्तों, हमारा फर्स्ट जो सजेशन रहेगा कि इसका फ्रेम आप नहीं बदलोगे, आप इसको फ्रेम को इस तरह ही लेके चलोगे. सर आप कब ये फ्रेम बदलोगे, जब आपको इसके कंपोनेंट्स निकालने हो, दैट्स इट, नथिंग एल्स, ठीक है. अब यहाँ पे ध्यान दे दो कि ये जो मेरा ब्लॉक है उसको मैं थोड़ा सेपरेटली बना दे रही हूँ. ये मेरा ब्लॉक यहाँ से स्प्रिंग तक आया, तो ऑब्वियसली स्प्रिंग थोड़ा अपने पहले स्प्रिंग इतना था लेकिन अब वो कंप्रेस होगा, राइट. तो कितना कंप्रेस हो जाएगा, मान लो एक्स वो उतना कंप्रेस हो जाता है और ये 1600 mm नीचे आ रहा है, ठीक है. तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, ये ट्रायंगल की तरह बन रहा है, राइट. और ये मेरा ब्लॉक यहाँ से यहाँ आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, तो इसके लिए मैं इसको लिख सकती हूँ 1600 प्लस एक्स, ये हाइट हो जाएगा जो कि मुझे निकालना पड़ेगा. क्यों निकालना पड़ेगा, जब मैं वर्क डन बाय वेट कैलकुलेट करती हूँ तब मुझे हाइट चाहिए, राइट. एंड ये थीटा एंगल दैट इज 30 डिग्री. ओके दोस्तों, सो दिस इज द मेन कंसेप्ट. एच कितना आ जाएगा, क्या लेंगे हम, साइन 30 इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस. एच निकालना है तो एच इज साइन 30 मल्टीप्लाइड बाय 1600 प्लस एक्स. सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, जो हमें मिल गया है. कैसे मिला, आई होप आपको क्लियर है. एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके लिखेंगे, जगह नहीं है ज़्यादा. या परफेक्ट, ये हाइट हो गई हमारी. हाइट कहाँ से कहाँ तक है उसको मैं रेड से दिखा देती हूँ. ये यहाँ से यहाँ तक हमारा हाइट हो गया, ठीक है. आई होप आपको ये क्लियरली समझ गया हो. ब्लॉक आया, स्प्रिंग थोड़ा सा कंप्रेस हुआ, ओरिजिनली स्प्रिंग इतना था, अभी वो इतना हो गया, मतलब थोड़ा सा कंप्रेस हो गया एक्स हाइट से. सो वही चीज़ यहाँ पे मैंने लिख दी है, तो इसको मैं इरेज कर देती हूँ, आप भी फटाफट लिख लो. ठीक है, लेट अस प्रोसीड. सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, एम जी मिल गया. अब चेक करते हैं काइनेटिक. T1 तो जीरो रहेगा और लास्ट में भी वो रेस्ट पे आ रहा है. क्यों, क्योंकि जो मेरा ब्लॉक है स्टार्ट में वो मोशन किया, फिर वो रेस्ट, मोशन, रेस्ट. सो T1 भी जीरो, T2 भी जीरो. नाउ थर्ड चीज जो हमें कैलकुलेट करनी है दैट इज वर्क बाय फोर्स. अभी कौन सा फोर्स है यहाँ पे, सबसे पहले वेट. तो वेट का कितना हो रहा है वो निकाल लेते हैं. आपको बस स्टेप्स याद रखने हैं दोस्तों. इसमें वेट का कैसे दिया जाता है, वर्क डन एम जी एच, प्लस रहेगा कि माइनस, प्लस, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दैट इज नीचे की तरफ हो रहा है.
तो एम मास कितना है दोस्तों, एम जी कितना है 30 मल्टीप्लाइड बाय हाइट कितना आया था अपना, यहाँ पे लिखा है मैंने साइन 30 1600 प्लस एक्स, ब्रैकेट से ओपन करके मल्टीप्लाई कर दो साइन 30 इंटू 1600 प्लस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों समवॉट, जब आप इसको करोगे ना ये आ जाएगा 24 प्लस 15x. सो दिस इज द वर्क डन बाय वेट, जो मेरे ब्लॉक का वेट है उसकी वजह से कितना वर्क डन हो रहा है. क्लियर? नाउ लेट अस राइट अनदर. अभी यहाँ पे ब्लॉक नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स आएगा कहीं ना कहीं पिक्चर में, उसका वैल्यू निकाल लेते हैं. ये नॉर्मल इस तरह आएगा, तो नॉर्मल का वर्टिकल इज एन, हॉरिजेंटल इज एन, ये 30 हो जाएगा, ये एन कॉस 30 हो जाएगा, ये एन साइन 30 हो जाएगा. ये इस इधर आएगा कोई, ठीक है, इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा ना उसका कंपोनेंट. ये नॉर्मल हो गया, अब मेरा फ्रिक्शनल फोर्स भी तो आएगा दोस्तों. ये मेरा म्यू एन, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट म्यू एन कॉस 60 हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये पूरा 60 रहने वाला है, एंड हॉरिजेंटल कंपोनेंट म्यू एन साइन 60. ठीक है, अब यहाँ पे म्यू एन कॉस 60 हो गया, म्यू एन साइन 60 भी लिख दिया मैंने. अब हमें वर्क बाय फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है, तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ. आई होप आपने लिख दिया होगा. ये फोर्थ चीज जो हम निकाल रहे हैं, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, यू इक्वल टू कितना आ जाएगा दोस्तों वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, म्यू के इंटू नॉर्मल इंटू डिस्प्लेसमेंट. ये नेगेटिव रहेगा ऑब्वियसली, नेगेटिव म्यू के कितना हुआ दिया हुआ है क्वेश्चन में 0.25. नॉर्मल आपको पता है नहीं, लेकिन वो सिंपली एक ही चीज़ है दोस्तों, नॉर्मल आपको एन कॉस 30 लेना है, एंड ये जो नॉर्मल है ना ये किसको इक्वल रहेगा, एम जी को इक्वल रहेगा, ब्लॉक के एम जी को इक्वल रहने वाला है हमारा नॉर्मल, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा वेट है उसी डायरेक्शन में नॉर्मल है. सो एम जी इक्वल टू 30 न्यूटन एंड या एन इक्वल टू 30 कॉस 30, राइट? सो दिस इज 30 कॉस 30, एंड डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है दोस्तों हमारा यहाँ पे, अब एक चीज याद रखो दोस्तों, जूल कब यूज करेंगे हम लोग, ये सब सॉल्व तो मैं कर लूंगी, जूल कब यूज करेंगे, जैसे हमने पहले वाले में जूल यूज किया, जब मेरा डिस्प्लेसमेंट, मेरा जो डिस्टेंस है ये mm से मीटर में कन्वर्ट कर दूंगी, तो यहाँ पर भी मीटर में कन्वर्ट कर दो. जब आप इसको कैलकुलेट कर दोगे, करोगे ना फर्दर, तो उसको आप मीटर में ही कन्वर्ट करके कैलकुलेट करो, कैसे हो जाएगा ये 1.6 प्लस एक्स, ठीक है? तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये कितना आ जाए दोस्तों फटाफट, ये कुछ आ जाता है -10.39 - 6.495 एक्स जूल्स. ठीक है, बस एक चीज़ याद रखना आपको यहाँ पे mm को मीटर में कंसिडर करना है, क्योंकि हम यूनिट कौन सा ले रहे हैं, जूल, एंड जूल स्टैंड्स फॉर न्यूटन मीटर. ओके, सो दिस इज वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स. नाउ अभी हमें क्या निकालना है दोस्तों, वर्क डन बाय स्प्रिंग, तो इसको भी निकाल लेते हैं फटाफट, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको छोटा कर दूं. फिफ्थ चीज निकालनी है वर्क डन बाय, क्या निकाल रहे दोस्तों हम अभी, वर्क डन बाय स्प्रिंग, अभी क्योंकि स्प्रिंग भी तो है यहाँ पे, तो स्प्रिंग का कैसे दिया जाता है, यू इक्वल टू के एस इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, राइट, जो भी रहेगा. तो हम लोग ने इसका फॉर्मूला डिराइव किया था, व्हाट वाज द फॉर्मूला, के एक्स वन का स्क्वायर माइनस एक्स टू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू. तो x1 स्टार्टिंग में तो हम लोग उसको जीरो लेंगे, क्योंकि पहले वो ओपन पोजीशन में था, जीरो लेंगे उसको, ठीक है?
तो यहाँ पे हम लोग के का वैल्यू दिया हुआ है 1 न्यूटन पर mm, बट हम लोग को किस में कंसिडर करना है दोस्तों, इसको न्यूटन पर मीटर में कंसिडर करना है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, थाउजेंड न्यूटन पर मीटर। सो दिस इज 1000 मल्टीप्लाइड बाय x1 तो जीरो इनिशियल पोजिशन, x2 कितना आ जाता है दोस्तों हमारा फाइनल पोजिशन, दैट इज गिवन बाय x2, है ना, क्योंकि वो पहले जीरो, फिर वो x, ये फिर से वो कंप्रेस हुआ एंड कंप्रेस होने के बाद x पोजिशन पे आ गया, डिवाइडेड बाय 2, सो दिस इज लाइक 500, नेगेटिव 500 x2 जूल। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। तो ये सारी चीज़ें हमने कैलकुलेट कर दी, अब हम क्या लगाएंगे दोस्तों हमारा वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या कहता है, अप्लाइंग, थोड़ा व्हाइट कलर ले लेते हैं, तब से रेड रेड हो गया, अप्लाइंग वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या कहते हैं दोस्तों, जितने भी टाइप ऑफ फोर्सेस लग रहे दैट इज इक्वल टू T2 - T1, कितने टाइप ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं, वेट का लगा, वेट का कितना आया है 24 + 15x, प्लस फ्रिक्शनल फोर्स का कितना आ गया था -10.39 - 6.495x, एंड वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स का कितना आ गया था -500x2, दैट इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि T2 - T1 दोनों ही जीरो है, जिसकी वजह से ये भी हमारा जीरो हो जाएगा। अब हमें क्या करना है दोस्तों, रिजॉल्व करना है, ये एक्स स्क्वायर वाले को पहले लिख देते हैं -500x2, एक्स वाले कौन कौन से है +15x -6.495x एंड 24 एंड कॉन्स्टेंट एक साथ लिख देते हैं, ठीक है, ये हमने लिख दिया यहाँ पे। अब हमें क्या करना है दोस्तों, ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, तो कैसे करेंगे, ये -500x2 हो जाएगा, 15 में से अगर मैं ये माइनस कर दूँ तो कितना आ जाता है समॉट 8.505x, एंड देन ये दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ जाता है दोस्तों +13.61 विच इज इक्वल टू जीरो। जब आप इसको कैलसी में डालोगे, कैलसी में कैसे डालना है दोस्तों, सबसे पहले मेन्यू सेटअप, लॉग ए को क्लिक करो, लॉग ए को क्लिक करोगे दो ऑप्शन आएगा, साइमल और पॉलीनोमियल, आपको पॉलीनोमियल क्लिक करना है, पॉलीनोमियल में भी चार एक ऑप्शन आएगा 2 से लेकर 4, तो आपको 2 क्लिक करना है, 2 क्लिक करने के बाद पहला वैल्यू -500 डालो, दूसरा वैल्यू 8.505 डालो एंड तीसरा वैल्यू 13.61 डालो। जब आप इसको डालोगे ना तो आपको 2 वैल्यूज आ जाएंगी, कितनी क्या आ रही है वैल्यूज, तो पहली वैल्यू आ रही है कुछ 0.1737, दूसरी वैल्यू कितनी आ रही है नेगेटिव आ रही है, राइट, तो नेगेटिव वैल्यू लेंगे क्या हम लोग, नहीं, क्यों, क्योंकि कभी भी याद रखना जो भी डिस्प्लेसमेंट होता है वो नेगेटिव नहीं होता, या तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। सो वी विल बी कंसिडरिंग दिस वैल्यू, इरेजिंग इट ऑफ, सो हमें मिल गया द स्प्रिंग गेट्स कंप्रेस्ड, द स्प्रिंग गेट्स कंप्रेस्ड बाय 0.1737 meters, ठीक है, बहुत माइन्यूट सा हो रहा है बट इतना वो कंप्रेशन आ जाता है, दैट वॉज द क्वेश्चन दैट वॉज आस्क, है ना। तो ये बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल था, कैसे किया हमने दोस्तों, सबसे पहले हमने क्या लगाया, हमने ये देखा कि जो मेरा ब्लॉक है वो FBD किस तरह बना रहा है, FBD बनाने के बाद हमने इनिशियल काइनेटिक वेलोसिटी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ये देख लिया, देन हमने देखा कि कितने फोर्स एक्ट कर रहे हैं मेरे सिस्टम पे, वेट, फ्रिक्शनल फोर्स एंड तीसरा था स्प्रिंग फोर्स, तीनों का हम लोगों ने इधर कैलकुलेशन किया, तीनों का कैलकुलेशन करने के बाद हमने लगा दिया हमारा वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, क्या कहता है, जितने भी फोर्सेस है दैट इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो वही हमने कंसेप्ट लगाया और हमारा एक्स का वैल्यू आ गया। तो आपको सारे न्यूमेरिकल में वर्क एनर्जी में इसी तरह कुछ प्रोसीडिंग्स रहेगा एंड थोड़ा बहुत माइनर चेंजेस आएगा। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए इफ कोई भी डाउट है, जितना हो सके हम उतना जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।